कंगना रनौत जी चूँकि एमपी बन चुकी हैं और पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस भी हैं, अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसको अपने हिसाब से भी इस मैटर को संसद में बुलाकर इसको टैकल्स कर सकती हैं, क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला है। किसी भी संसद को इस तरह से पब्लिकली उसको उसके ऑफिस को मिसयूज़ किया गया है। साथ ही साथ क्योंकि मैंने सुना था कि उसने जब थप्पड़ मारा था तो कुछ गंदे शब्दों का ही प्रयोग किया गया था, तो ऐसी स्थिति में 499 जो डिफेमेशन का अपराध है ये भी बनता है। देश की जानी मानी अभिनेत्री और मौजूदा सांसद जो कि अब सांसद बन चुकी हैं कंगना रनौत के ऊपर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सिक्योरिटी गार्ड ने उनको थप्पड़ मार दिया और इस दौरान गाली गलौज करने का भी आरोप जो है वो कंगना रनौत की ओर से लगाया गया है। यह मामला काफ़ी हाईलाइटेड हो चुका है और अब तेज़ी से तूल पकड़ रहा है। यही हम आपको जानकारी देने के लिए आ गए हैं कि आखिर इस तरह के मामले जब होते हैं, जब किसी उच्च पद पे बैठे अधिकारी के साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारा देश का कानून क्या कहता है और किस तरह की कार्रवाई ऐसे मामलों पर होती है, यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के जो दूसरा कैंपस है यानी न्यू कैंपस के लॉ फैकल्टी के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कुमार सिंह के पास और उनसे जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। जो कल की जो घटना थी, जो किसी चंडीगढ़ एयरपोर्ट के सीआईएसएफ की जवान महिला कांस्टेबल ने फिल्म स्टार कंगना रनौत जी को जो कि अब एमपी भी बन गई हैं उनको जो थप्पड़ मारा था, ये घटना काफ़ी दुर्भाग्यशाली है। जहाँ तक लॉ का प्रावधान है तो लॉ इस पर एकदम क्लियर है। सेक्शन 350 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 350 जो है वो इस बारे में स्पष्ट प्रावधान करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि किसी दूसरे को जो है या तो इंजरी या फियर या अनाउंस खारिज करता है अपने आपराधिक बल के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में जो वो इस धारा के अंतर्गत पनिश किया जाएगा, जिसमें कि जिसके लिए कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 महीने की है और ₹500 जुर्माना प्लस चाहे तो वो दोनों ही पनिशमेंट को लगाया जा सकता है इसमें। साथ ही साथ अगर कंगना रनौत जी चूँकि एक पब्लिक सर्वेंट भी हो चुकी हैं तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 353 जो है आईपीसी की धारा कि कोई अगर पब्लिक सर्वेंट को उसे कार्य करते हुए अगर कोई क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है तो ऐसी स्थिति में ये धारा जो है काफ़ी गंभीर हो जाती है और कम से कम मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 352 में जो है वो दो साल का पनिशमेंट है और फाइन भी इसके साथ दिया गया है। इसके अगर आप चाहें तो सेक्शन 323 के तहत चोट के लिए भी चोट इंजरीज को 323 में परिभाषित किया गया था, उसमें भी चाहे तो पुलिस चाहे तो इस पर धारा लगा सकती है क्योंकि उसने थप्पड़ मारा था, तो ये चोट का भी मामला बनता है जिसके लिए कि 323 में एक साल की सजा का कारावास या फिर फाइन को भी किया गया है। चूँकि एक दूसरे पहलू से देखें कि कंगना रनौत जी चूँकि एमपी बन चुकी हैं और पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस भी हैं, अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसको अपने हिसाब से भी इस मैटर को संसद में बुलाकर इसको टैकल्स कर सकती हैं, क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला है। किसी भी संसद को इस तरह से पब्लिकली उसको उसके ऑफिस को मिसयूज़ किया गया है। साथ ही साथ चूँकि मैंने सुना था कि उसने जब थप्पड़ मारा था तो कुछ गंदे शब्दों का ही प्रयोग किया गया था, तो ऐसी स्थिति में 499 जो डिफेमेशन का अपराध है ये भी बनता है, जिसके लिए कि अगर कोई व्यक्ति शब्दों के माध्यम से किसी, क्योंकि कंगना रनौत इस बार भारत के नहीं बल्कि दुनिया की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और पब्लिक में और पब्लिक डोमेन में उनका काफ़ी नाम है, तो उसकी एक आइडेंटिटी है और काफ़ी रिपोर्टेड महिला है, अगर आपने शब्दों के माध्यम से उसकी 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 उसे डिफेम किया है तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 499 के तहत ये अपराध है और 500 में इसकी सज़ा लगभग 2 साल की, मैक्सिमम सज़ा 2 साल की है प्लस फाइन भी हो सकता है और शायद दोनों भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम चाहें देखेंगे तो CISF की अपनी अलग डिसिप्लिनरी कमेटी चाहे तो इस मामले की जाँच करके उसके खिलाफ सस्पेंशन या टर्मिनेशन का भी जो भी आदेश है मैक्सिमम वो कारित कर सकती है। वो मैंने सुना है कि इसको सस्पेंड भी कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि सस्पेंशन के बाद इस डिसिप्लिनरी कमेटी जो है ये विचार करेगी कि इसकी सर्विसेज को कंटिन्यू रखनी है कि नहीं रखनी है। तो कुल मिला के ये घटना काफ़ी दुर्भाग्यशाली है और लॉ में काफ़ी स्पष्ट प्रावधान इस संबंध में बनाया गया सर, यानी
कोई भी उच्च अधिकारी को अगर कोई भी थप्पड़ मारता है तो उस सभी पर यही सेम नियम? ये सिर्फ कंगना रनावत जी के लिए ये सेक्शन नहीं है, बल्कि सारे जो भी व्यक्ति, चाहे वो ऑर्डिनरी पर्सन भी हो, अगर कोई व्यक्ति किसी अगर ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी रहता कंगना रनावत जी के अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति रहता तो उसके साथ भी सेक्शन 50 और 499 ये सभी चीज़ें उसके साथ भी रहती है। ये कॉमन सेक्शन है जो सब पर अप्लाई करता है। किसी कंगना रनावत जी चूँकि अब सांसद हो गए तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाला जो पूरा जो प्रावधान है उनके ऊपर स्पेशल अप्लाई करेगा, जो कि कॉमन मैन पर नहीं करता। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये भी है कि अगर जो इस तरह के कानून है, क्या इसमें किसी भी तरह से, जैसे वो सस्पेंड हो गई अभी, तो क्या उसे बहाल हो सकती है? वो देखिए, चूँकि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का अपना एक अलग कार्रवाई होती है। अब चूँकि अब इस मैंने जहाँ तक सुना है कि FIR भी दर्ज हुआ है, तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पुलिस ने 350 में या 323 में किस धारा में उनके खिलाफ FIR दर्ज किया है। तो जिस धारा में FIR दर्ज किया था उस धारा में जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है वो उस पर पूरी प्रोसीडिंग करेगा और जो एविडेंसेस को कलेक्शन करेगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि किस परिस्थितियों और कैसे उन्होंने ये चार्जेस जो अपराध किया है, कलेक्शन के बाद ये फाइनल रिपोर्ट पुलिस सबमिट करेगी, उसके बाद ही देखना होगा कि ये कौन सा इनके खिलाफ अपराध बनता है। तो यकीनन डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने यह भी बताया कि क्योंकि कंगना रनौत अब सांसद बन चुकी हैं, उनके पास सांसद क्षेत्र में जो कानून होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वो भी हैं। ऐसे में किसी सांसद के साथ गाली गलौज करना, उसके साथ मारपीट करना एक दंडनीय अपराध है और कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे मामलों पर की जाती है। तो यकीनन ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। तब तक जुड़े मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।